तो फिर आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने लिए कम जीते थे और अपने जीवन के सब कुछ देश के लिए त्याग कर दिए थे। स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता जो विदेशी कंपनियों के उस समय नींद चुरा लिए थे, विदेशी कंपनियों में उनके वजह से डर का माहौल बना हुआ था, जिनका स्वप्न था व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक। खाली इतना ही नहीं, स्वदेशी से भारत कैसे स्वावलंबी बने उसके लिए भी वो रात दिन इकट्ठा कर लिए थे। उनके बातों को ही सुनकर सोए हुए हिंदू वो जाग उठे थे। सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा के लिए उनका एक ही लक्ष्य था, वो चाहते थे कि देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उस पर परिवर्तन लाए जाए। व्यवस्था परिवर्तन था उनका मुख्य लक्ष्य। तो फिर उस महान व्यक्ति का कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, इंटरनेट पर उनका अपना एक विशाल साम्राज्य है। आप तो आजकल देखते रहते हैं सोशल मीडिया में लोग लाइक फॉलो सब्सक्राइबर पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, उल्टा सीधा क्या कुछ करते हैं, पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बार अगर इंटरनेट पे उनका कोई वीडियो देख लेता है तो 50-100 वीडियो देखे बिना वो मोबाइल बंद नहीं करता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो फिर उन्होंने देखा जाए तो राजनीति से लेकर विज्ञान तक, अर्थनीति, दर्शन, साहित्य, योग, आयुर्वेद, कृषि, शिक्षा, सभी के ऊपर उन्होंने अपना व्याख्यान दिए हैं। और उनके जो रिसर्च है उनको रिसर्च को बड़े बड़े ज्ञानी वो सैल्यूट करते थे। खाली इतना ही नहीं, भारत के जो स्वाधीनता संग्राम था और उसमें जो बलिदानी थे, जिन्होंने जिनके बलिदान के स्वरूप हमें ये कीमती आज़ादी मिली, बहुत सारे ऐसे बलिदानी हैं, बहुत सारे स्वाधीनता संग्रामी हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। और वो जो अनसंग कहानी हैं, जो अनसुनी गाथाएं हैं, अगर वो हमारे तक किसने पहुंचा है, वो और कोई नहीं, राजीव दीक्षित जी। तो फिर इस वीडियो में हम आपको कुछ रोचकपूर्ण तथ्य देना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि शायद इसके बारे में आपके पास बहुत कम जानकारी होगा। विदेशी कंपनियों के खिलाफ ये जो अभियान वो चलाते थे राजीव दीक्षित जी, सन 2010 नवंबर 30 तारीख में एक षड्यंत्र के तहत विदेशी कंपनियों के खिलाफ वो अपना ये जो अभियान चलाए थे स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, उन्होंने 2010 नवंबर 30 तारीख में संदेहजनक अवस्था में उनके मृत्यु हुई थी। राजीव दीक्षित जी 1976 नवंबर 30 तारीख में जन्मग्रहण किए थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई एक गांव है, वहां पे उनके जन्म हुआ था। और उनके माता पिता जी का ये भी मानना था कि बचपन से वो बहुत ही प्रेरणादायी और उत्साही थे और जिद्दी टाइप के भी थे। अगर वो एक बार ठान लेते थे कि इसके बारे में मुझे जड़ तक पहुंचना है तो वो करके ही छोड़ते थे। आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने बार बार एक रिक्वेस्ट किए हैं कि आप राजीव दीक्षित जी के बारे में एक वीडियो बनाइए, अपना जो अनुभूति है उसके बारे में भी हमें बताइए। राजीव दीक्षित जी से मैं जब पहली बार मिला था लगभग सन 1994 उड़ीसा के एक जिला है जगतसिंहपुर जिला, और वहाँ पे एक जगह है, उसका नाम एक ब्लॉक है, उसका नाम है ब्रिडी ब्लॉक। वहाँ पे एक स्कूल है, उसका नाम है बागलपुर गर्ल्स हाई स्कूल। 1994 में 15 दिन का एक चला था गांधी शिविर, उसी प्रोग्राम के दौरान युवा नेता राजीव दीक्षित जी को आमंत्रण किया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर। मेरे पास एक किताब है, मैं आपको आज जो कुछ भी बताऊंगा बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा। यह है स्वर्गीय नारायण दास जी, इन्हीं के बदौलत, उन्हीं के चेष्टा के कारण राजीव दीक्षित पहली बार उड़ीसा आए थे 1994 में। तो
यहाँ पे बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने अपने अपने जो अनुभूतियाँ हैं वो शेयर किए हैं। सीधा मैं आना चाहूँगा 84 पेज में श्री निकुंज भैरी भंजा जी जो हैं उन्होंने लिखे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। मैं एक बार वो पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। ये है वो किताब, उड़िया भाषा में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय की जो मेरा अनुभूति है उस समय एक झलक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 1994 मसीहा मई के महीना था उस समय, और संग्रामी तीर्थ बागलपुर के वहाँ जगह था, शांति गांधी शांति प्रतिष्ठान के 15 दिन का शिविर वहाँ पर चल रहा था बागलपुर गर्ल्स हाई स्कूल में। उनके जो उस समय के जो प्रधान शिक्षेत्र थे कविता दास जी, श्रीमती कविता दास जी, उनके उनके लीडरशिप में वहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हो रहा था। लगभग हमारे राज्य की 30 जिलाओं में से विभिन्न अनुष्ठान की बहुत जेंट्स एंड लेडीज, बहुत महिलाएं और पुरुष जो हैं इसमें योगदान दिए थे। उस कार्यक्रम में शिक्षक थे नरेंद्रनाथ सतपथी जी, मदन मोहन बस्तिया जी, रविदास जी और खुद मैं, यानी श्री निकुंज बिहारी भंजा जी ने। तो उनका ये मानना था कि अन्य जो विद्यालय हैं उनके छात्र छात्रियाँ और आंचलिक जो वहाँ पर जो रीजनल जो युवा पीढ़ी थे वो भी राजीव दीक्षित जी को सुनने के लिए आए थे। तो उनका ये मानना था कि उस समय राष्ट्रीय स्तर पर युवा नेता राजीव दीक्षित जी, स्वाधीनता संग्रामी पद्मचरण नायक और अध्यापक अभिराम बिस्वाल आदि बहुत सारे जो उस समय उनको भी इनवाइट किया हुआ था वो कार्यक्रम में। वो पहली बार आए थे उड़ीसा 1994 में। एक झलक डालते हैं उस समय के जो शिक्षेत्र थे भागलपुर गर्ल्स हाई स्कूल के, वो है कविता दास जी ने, श्रीमती कविता दास जी ने, उन्होंने लिखे हैं पेज नंबर 32। उस समय युवा नेता राजीव दीक्षित, अभिराम बिस्वाल आदि बहुत बड़े बड़े जो वक्ताएं हैं उनको भी हमने निमंत्रण किए थे इस शिविर में आने के लिए। और भाई राजीव दीक्षित जी हमारे जो नूतन जो नया अर्थनीति का व्यवस्था था और आने वाले समय में वो कितना घातक हो सकता है उसके बारे में भी युवाओं को वो अपना वार्ता दिए थे, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में भी उन्होंने जानकारियां दिए थे, और उस समय का जो प्रस्ताव था डंकल प्रस्ताव उसके बारे में भी उन्होंने रोचक जानकारियां दिए थे, बिल्कुल चौंका देने वाली जो जानकारियां वो भी युवाओं को दिए थे। तो ये लिखा गया है बिल्कुल राजीव दीक्षित जी, मुझे याद है उस समय मैं पहली बार राजीव दीक्षित जी से मिला था 1994 में। उन्होंने मुझे पास बुलाए थे, अपने जेब से हाथ डाल के एक चॉकलेट मुझे दिए थे और पूछे थे आपका नाम क्या है। उस समय मुझे तो हिंदी थोड़ा कम समझ में आता था, मैं समझ गया था कि वो मेरा नाम पूछ रहे हैं। मैं बोला कि जी मेरा नाम सत्य है, और एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक दिन के लिए वो हमारे घर पर भी रुके थे, हालांकि 15 दिन के लिए वो शिविर में रुके थे, लेकिन उसमें से एक दिन के लिए वो हमारे घर में रुके थे। पता नहीं उनका मन किया कि हाँ एक बार मैं जो है मेरे पिताजी को बहुत मानते थे और मेरे पिताजी के साथ बहुत घंटे घंटे उन्होंने बात भी किए। वही स्वराज के मतलब उड़ीसा में जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसके बारे में वो खूब सारे उन्होंने बातें किए, और उनका एक छोटा सा डायरी था उस सब कुछ नोट भी करते थे जो मेरे पिताजी उनको बोलते थे कि ऐसा ऐसा हुआ था उड़ीसा प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, तो वो सब वो अपने डायरी में नोट कर रहे थे। तो फिर हमें वो उस समय बता दिए थे कि आप मेरे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट मत करना खाने पीने के मामले में, आपके घर में जो कुछ भी बना हुआ है आप जो कुछ खाओगे जो कुछ प्रसाद सेवन करोगे उसमें से थोड़ा सा मुझे दे दीजिएगा, मैं खा लूँगा। कितना देखिए ये विषय जो महान व्यक्ति थे ये हुए उनका महान व्यक्तित्व के एक परिचय। तो मुझे याद है अभी भी जब एक टीम उनको रिसीव करने के लिए गया था रेलवे स्टेशन, वो बिल्कुल आते थे स्लीपर क्लास में ही आते थे। स्लीपर क्लास में जब वो टीम उनको रिसीव किया उसी समय उन्होंने बता दिए थे कि मेरे लिए कोई होटल या लॉज बुक मत कीजिएगा, जहाँ पे ये मीटिंग रखा है आपने रखे हैं उसी में से वहाँ पे कोई जगह होगा वहाँ पे मैं रह जाऊँगा, और आप जो भी मुझे खाना खिलाओगे मैं खाना खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए आप कोई मतलब परेशानियाँ मत उठाइएगा। तो ये जब बातें हम सुनते थे याद करते हैं अब भी मतलब यकीन नहीं होता है, यही तो होता है एक महान व्यक्ति का परिचय। तो मेरे पास देखिए कुछ किताबें हैं
और कुछ सीडी के सेट हैं। देखिए हम ये जो सीडी का बंडल है, ये 10 सीडी का बिल्कुल एक बंडल है, हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे युवाएं हैं जो स्वदेशी के बारे में जानना चाहते हैं, जो स्वदेशी चिकित्सा के बारे में जानना चाहते हैं, हमने उनको भी गिफ्ट किए हैं ऐसे बहुत सारे बंडल्स। खुद उसको कॉपी करके, खुद उसको मार्केट से परचेज करके, खुद उसको बना के, एक बंडल बना के हमने उनको भी उन तक पहुंचाए हैं। खाली उतना ही नहीं, आज़ादी बचाओ आंदोलन के जो 10 सीडी का एक बंडल था, वो भी हमने बहुत सारे जो युवा हैं, मेरे दोस्त हैं, उन तक भी हमने पहुंचाए हैं। उसके साथ साथ आप देखिए मेरे पास है कि 10 बुक का एक बंडल है, उन्होंने श्री राजीव दीक्षित जी ने वो सब लिखे हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं उसमें लिखा है कि भाग 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 तक। पहला जो किताब है आप देखिए, बहुराष्ट्र कंपनी का असली चेहरा, बहुराष्ट्र कंपनी का असली चेहरा ये है उस किताब जो 10 सेट हैं, सेट नंबर वन है। इसके बाद ये देखिए, बहुराष्ट्र कंपनी द्वारा भारत की लूट, दूसरा किताब है, पार्ट टू है। और इसमें से आ जाता है स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी चिकित्सा दिनचर्या, ये देखिए ये है पार्ट थ्री, स्वदेशी चिकित्सा बीमारियों को ठीक करने की आयुर्वेदिक नुस्खे, यह है एक किताब स्वदेशी चिकित्सा, ये भी एक पार्ट है। और ये भी एक किताब है स्वदेशी चिकित्सा, गंभीर रोगों की घरेलू चिकित्साएं। गौ माता के ऊपर भी उन्होंने लिखे हैं, ये भी एक भाग है। और स्वदेशी कृषि, ये भी एक भाग है। और अंत में जो 10वीं भाग है वह है विश्व व्यापार संगठन WTO, गुलामी और लूट का दस्तावेज, यह है वो किताब। देखिए राजीव भाई दीक्षित जी ने उसको लिखे हैं। तो ऐसे जो 10 किताब के एक सेट है, तो ये भी मतलब हमने बहुत सारे मेरे जो मित्र हैं उन तक हमने पहुंचाए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट। उस समय मतलब कुछ दोस्त हम लोग मिलके ये किताब जो है वहाँ से हम परचेज करते थे, और हम जो चाहने वाले मेरे भाई हैं उन तक हम ये सब पहुँचाते थे। अक्सर एक सवाल उठाते हैं जो राजीव दीक्षित जी के फैन फॉलोअर्स हैं, उनके मौत को लेकर इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो हमें देखने को मिलता है राजीव भाई जी के जो संदिग्ध मौत हुई थी उसके बारे में। उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो हमेशा एक ही सवाल उठाते हैं कि ये प्राकृतिक मौत नहीं था, किसी षड्यंत्र के तहत उनको मारा गया। तो मतलब देखिए, मैं ये मानता हूँ, पतंजलि के साथ मैं भी कुछ समय तक काम किया हूँ, तो नवंबर का महीना था उन दिनों 2010 की बात है। राजीव भाई जाते थे छत्तीसगढ़ की दौरे पर थे, और नवंबर 26 से 29 तक उनका वाक्सीन का कार्यक्रम था, और उसके बाद 30 तारीख को उन्होंने भिलाई पहुंचे, और वहां से उनके जो स्वास्थ्य अवस्था थोड़ा बिगड़ गया था, तो वहां से दुर्ग लिया गया उनको। फिर रास्ते में उनको रोका गया, फिर उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, फिर उसके बाद हार्ट अटैक के कारण उनको फिर विलाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको एडमिट किया गया था। फिर उसके बाद बेटर ट्रीटमेंट के लिए अपोलो बेसर हॉस्पिटल में उनको स्थानांतरित किया गया था, और वहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषणा किए थे। और इसके बाद मच गया था बवाल। हुआ ये था कि इसके बाद राजीव दीक्षित जी के जो मृत शरीर हैं उनको एक चार्टर्ड फ्लाइट के माध्यम से हरिद्वार लाया गया, जबकि उनके समर्थक ये बार बार सवाल उठाते हैं कि उनको वर्धा लेने की वजह उनका हरिद्वार क्यों लाया गया। और उनके समर्थक ये भी बार बार सवाल उठाते हैं, उन्होंने बोले कि जब उनके शरीर हरिद्वार में आके पहुंचा तो उनके शरीर जो है बैगनी और नीले रंग हो गया था, उनका जो स्किन है वो कुछ अजीब सा दिख रहा था। खाली इतना ही नहीं, उनके नाक के चारों ओर जो है
काला और नीले रंग के कुछ ब्लड, क्लॉटेड ब्लड वो लगा हुआ था। और उनके समर्थक ये सब देख के ये मान लिए थे कि ये कोई प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं है और ये कोई षड्यंत्र के तहत एक हत्या की साजिश है। तो फिर वहां पे मौजूद उनके जो समर्थक हैं उन्होंने पोस्टमार्टम की भी डिमांड उठाए थे। और राजीव भाई के जो परिवार के लोग हैं वहां उस समय उनके भाई भी वहां पे मौजूद थे, श्री प्रदीप दीक्षित जी, तो उनका वही कहना था कि उस समय उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिए थे। और अंत में हरिद्वार में राजीव दीक्षित जी का अंतिम संस्कार हुआ था। और पोस्टमार्टम नहीं होने के कारण बहुत सारे सवाल आज भी उनके समर्थक, उनके फैन फॉलोअर्स उठाते हैं। इस बारे में कई बार बाबा रामदेव भी प्रश्न की घेरे में आ चुके हैं। उनके समर्थक सीधा सीधा बाबा रामदेव पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बाबा रामदेव हमेशा के लिए कभी चुप नहीं रहे। प्रेस में आके उन्होंने अपने बात रखे हैं और कई बार खुद प्रेस मीट करके भी राजीव दीक्षित जी के बारे में उन्होंने अपना बात रखे हैं। बाबा रामदेव जी का ये मानना था कि उन्होंने राजीव भाई के साथ उस समय जब उनके स्वास्थ्य जो है थोड़ा बिगड़ गया था उस समय उनसे बात हुआ था राजीव दीक्षित जी के साथ। उन्होंने राजीव भाई ने उस समय मना कर दिए थे कि वो हमेशा के लिए मतलब अपने जीवन काल में हमेशा वो स्वदेशी की वार्ता पहुंचाए हैं, स्वदेशी चिकित्सा की बात किए हैं, वो एलोपैथी चिकित्सा के लिए मना कर दिए थे और स्वदेशी चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा के लिए वो चाह रहे थे। तो स्वामी जी का ये भी मानना है कि राजीव भाई अगर एलोपैथी चिकित्सा मान लेते तो शायद वो आज हमारे बीच में जिंदा होते। यहाँ पर और भी एक सवाल आता है कि लगभग 2017 में बाबा रामदेव के ऊपर एक किताब उस समय पब्लिश हुई थी जिसका नाम था बाबा रामदेव गॉडमैन टू टाइकून। तो उस किताब में लगभग राजीव दीक्षित जी के बारे में भी कुछ लिखा गया था और उसमें बाबा रामदेव जी आपत्ति उठाए थे और ये बात कोर्ट तक भी पहुंच गया था। तो बाबा रामदेव की डिमांड को मद्देनजर में रखते हुए कोर्ट ने उस समय वो किताब को बैन किया था। हालांकि वो किताब अभी मेरे पास है, बैन होने से पहले वो किताब मैं ले लिया था। यही है वो किताब, साफ साफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किताब है जिसका नाम है बाबा रामदेव गॉडमैन टू टाइकून। उसके जो लेखक हैं वो हैं प्रियंका पाठक नारायण जी, जो एक समय पे बाबा रामदेव जी के निकटतर थे। तो वहाँ पे लिखा है कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में ऐसे कुछ इस किताब में जिक्र किया गया है, लेकिन अभी ये किताब मार्केट में नहीं है और ये बैन किया गया है। तो फिर इसके आगे और भी कुछ जानकारी सामने आई है। 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक निर्देश दिया गया था इस केस के ऊपर दोबारा जांच किया जाए, लेकिन बात यह है कि उस समय जांच चल रहा है और अभी तक राजीव दीक्षित जी को हत्या किया गया है या फिर वो एक प्राकृतिक मौत था, इसके बारे में कोई उत्तर अभी किसी को नहीं मिल पाया है। हालांकि उनके समर्थक नाराज हैं, वो समय समय पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना प्रमाण के आप जितना भी सवाल उठाइए कोई नहीं मानेगा। प्रमाण साथ में है, आप सवाल उठाइए फिर शायद लोग उसको मान लेंगे। हाँ, अगर प्रमाण साथ में है तो हम किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं, वरना फिर हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो 2009 जनवरी 5 तारीख में भारत स्वाभिमान आंदोलन आरंभ हुआ था और उस समय राजीव दीक्षित जी इसके नेतृत्व करते थे। महामंत्री का उनको पद दिया गया था और इस आंदोलन के माध्यम से भारत की हर एक खंड में वो जाते थे और वहां पे वो अपना व्याख्यान देते थे। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव 2009 से भारत के सबसे आह्वानपूर्ण जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपस में बातचीत किया करते थे और लोगों तक जानकारियां पहुंचा करते थे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजीव दीक्षित जी बाबा रामदेव जी को इकट्ठा काम करने के लिए प्रेरणा देते थे और साथ में ही देश के जो जटिल समस्याएं हैं जैसे कालाधन समस्या और बाकी बहुत सारी समस्याएं पर वो खुद रिसर्च भी करते थे। तो फिर इसी के चलते भारत स्वाभिमान आंदोलन के शुरुआत करने वाले राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव जी उस समय एक सक्षम पदक्षेप लिए थे। अब बारी आता है भोपाल गैस ट्रेजरी की। मैं तो मानता हूं कि शायद राजीव दीक्षित जी अकेले एक हिंदुस्तानी हैं जो भोपाल गैस ट्रेजरी को एक नेचुरल एक्सीडेंट नहीं बताए थे। वो हमेशा ये कहते थे कि ये जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत इस काम को अंजाम दिया गया है। भोपाल गैस ट्रेजरी मतलब इतना वो भयंकर था कि उस समय एक ही रात में भोपाल में 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था ये एक्सीडेंट। भोपाल गैस ट्रेजरी यूनियन कार्बाइड वाले जो गैस वो लीक हुआ था और इसके दौरान 10,000 से भी ज्यादा लोग एक ही रात में मौत की घाट उतार देते। तो फिर राजीव दीक्षित जी का ये मानना था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक षड्यंत्र हुआ था अमेरिका के द्वारा। और इनका ये मानना है कि जैसे कोई पॉइजन कोई कंपनी बनाता है तो वो पॉइजन कितना पावरफुल है उसको वो जानने के लिए उसको प्रयोग करते हैं चूहे के ऊपर या बंदर के ऊपर कि ये कितना पावरफुल है। तो इसी तब जाके पता चलता है कि वो पॉइजन कितना पावरफुल हो सकता है। इसी के चलते अमेरिका ने वो प्रयोग किया था हिंदुस्तान के ऊपर और जब ये प्रयोग सक्सेसफुल हो गया था इसी यूनियन कार्बाइड गैस को उन्होंने जैविक हथियार के रूप से प्रयोग किए थे, रासायनिक हथियार के रूप से उन्होंने प्रयोग किए थे सीरिया के ऊपर और वियतनाम के ऊपर। इंडिया एक एक्सपेरिमेंट था और प्रयोग होता सीरिया और वियतनाम के ऊपर। ये राजीव भाई पहली बार खुलासा किए थे और उसका जांच भी उसका जांच करने की बार बार वो मांग कर रहे थे भारत सरकार से। इसके बाद उन्होंने 1995-96 में जो उत्तराखंड में जो हुआ था टिहरी डैम में लोगों ने जो है उसके विरोध में एक ऐतिहासिक मोर्चा निकाले थे, उसमें भी राजीव भाई शामिल हुए थे। उस दौरान लोगों को जो लाठीचार्ज हुआ था राजीव भाई भी लाठीचार्ज के शिकार हुए थे और वो भी इस ऐतिहासिक मोर्चे के एक भागीदारी थे। इसके बाद बारी आता है कि राजस्थान में ये जो शराब बनाने वाली जो कंपनी था उसके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा निकाले थे, बिल्कुल वो जंग छेड़ लिए थे। वो जो गांव के लोग हैं उनके साथ मिलके वहां पे जो शराब बनाने के लिए जो लाइसेंस दिया गया था उस कंपनी का नाम था केडिया कंपनी को उन्होंने रामसिंह सरकार से बार बार वो वही मांग कर रहे थे कि इस कंपनी को लाइसेंस कैसे दिया गया जबकि राजस्थान सरकार ने इस अलवर जिले में चल रहा था वो प्रोजेक्ट, अलवर जिले को ड्राई जोन घोषित किया है, उस इलाके को ड्राई जोन घोषित किया है, उसके बावजूद भी कंपनी को लाइसेंस कैसे मिल गया जबकि वो कंपनी एक दिन में 1,00,000 लीटर से भी ज्यादा पानी जो है यूज करता है शराब बनाने के लिए। वो ये भी मानते थे अगर इसी तरीके से पानी जो है जमीन के अंदर से निकाला जाएगा तो ये आगे चल के तो मतलब अकाल लाएगा, फिर लोगों के लिए पानी के लिए लोग तरस जाएंगे। तो इसको तुरंत इस कंपनी को लाइसेंस को रद्द किया जाए, मतलब इतने बड़े स्तर पे ये मुहिम चला था कि एक समय यह आया था कि राजस्थान सरकार को वो लाइसेंस रद्द करना पड़ा। रातों रात केडिया कंपनी ने अपनी कंपनी बंद करके बाहर छोड़ के चला गया था। तो ये था राजीव दीक्षित जी का अपना पावर। वो खाली वैक्सीन नहीं देते थे, जहां भी लगता था कि यहाँ पर आवाज उठाना चाहिए लोगों को एकजुट करना चाहिए वो करते थे। राजीव दीक्षित जी मुझे याद है जब उड़ीसा आए थे 1994 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय वो खास करके बोला करते थे कि उस समय एक टीवी में एक एड आता था बूस्ट के ऊपर और बूस्ट का उस समय ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। तो वो एड के खिलाफ थे, वो बोल रहे थे कि उस एडवर्टाइजमेंट में सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। वो उस एडवर्टाइजमेंट को विरोध करते थे और ये कहते हुए विरोध करते थे कि आप सचिन तेंदुलकर की अम्मा जी से पूछिए बूस्ट उनका तो एनर्जी का ताकत है या फिर और कुछ है। रोजर फेडरर वो जब खेल के दौरान ब्रेक लेते हैं वो केले खाते हैं तो उनका एनर्जी मिलता है केले से और सचिन तेंदुलकर को एनर्जी मिलता है बूस्ट से। तो ये सब बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, विदेशी कंपनियां कैसे षड्यंत्र रच कर मतलब लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं और मुनाफा जो है अपने देश को ले जाते हैं। स्वाभिमानी भारत यह था उनका स्लोगन।
हमेशा यही चाहते थे कि आप जितने भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अगर स्वदेशी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे, देश का पैसा देश के पास रहेगा, मेरे भाई को रोजगार मिलेगा। अगर विदेशी कंपनियों का अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो वो कंपनी देश के बाहर जाएगा और वही कंपनी वही पैसे के तहत वो फिर भारत को मुश्किल में डालने की प्रयास करेंगे। यहाँ मालिका की बात मुझे याद आ रहा है, भविष्य मालिका में ये भी लिखा है, 13 विदेशी राष्ट्र एकजुट होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। आपने देखे होंगे एक महिला, उन्होंने जो बयान दिए थे के आधार पर सभी जो विदेशी ताकत हैं, विदेशी कंपनियां हैं और विदेश में भारत के प्रोडक्ट को बॉयकॉट हुआ था और ये एक ट्रेलर था, तो उन्होंने दिखा दिया था अपना ताकत। अगर आप हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे, देखिए आपका प्रोडक्ट अभी इस्तेमाल हमने करना बंद कर दिए हैं, आगे चल के और भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सीखने की जरूरत है। राजीव दीक्षित जी वही बार बार कह रहे थे कि 20 स्वदेशी 22 स्वदेशी। अमेरिका में जब बराक ओबामा वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका स्लोगन था बाय अमेरिका बी अमेरिका। फ्रांस में भी वो एक स्लोगन चला था बी फ्रांस। तो ये सब जो है नारा अगर चल रहा है तो भारत में भी तो वही नारा लगना चाहिए, बाय इंडियन बी इंडियन, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत। तो यही उनका नारा था। तो अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, राजीव दीक्षित जी कहीं नहीं गए हैं, आज भी हमारे दिलों में हैं। और उनका ये मानना था कि एक छोटा सा काम है, शुरू में जब हम करते हैं 50 कहते हैं यार ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मन में अगर संकल्प शक्ति हो, पवित्रता के भाव हो, आपके उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती है अंत में। भले ही आज आपकी शक्ति कम है, आज कम है तो कल अधिक होगा, और अधिक कैसे होगा, इसी तरह छोटे से काम करते करते किसी बड़ी काम के तैयार हम करेंगे। दुनिया भर में जहां भी देखिए मुट्ठी भर लोगों ने देश खड़ा किया है। फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, प्रो फ्रांस को एक कर दिए थे। जर्मन में हिटलर एक अकेला था पर जर्मन को ठीक कर दिया था। तो इसी तरह हमारे देश में भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कभी अगर भगत सिंह हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, सुखदेव हो सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो सकते हैं, आज क्यों नहीं, आज भी तो वही परिस्थितियां हैं। और किसी ना किसी को तो पहला कदम रखना पड़ेगा, बाद में सैकड़ों लोग उनके साथ आ जाएंगे। तो इसके लिए आपकी दुआएं हमको चाहिए, समर्थन आपको चाहिए, आपके सहयोग हमें चाहिए। तो आज भी हमें उसी दिशा में काम करना चाहिए। राजीव दीक्षित जी को मानते हुए, राजीव दीक्षित जी को याद करते हुए स्वदेशी दिवस को हम मनाएंगे। नवंबर 30 तारीख को हम मनाएंगे स्वदेशी दिवस। मेरा तो ये मानना है कि एक एक पेड़ का एक वृक्ष का भी रोपण किया जाए उसी दिन, ताकि जो परिवेश का संतुलन भी बनी रहे। और उससे ज्यादा राजीव भाई जी को रेस्पेक्ट और क्या हो सकता है। कैसा लगा आज का व्याख्यान, कमेंट बॉक्स में आप अपना मत दीजिए। और राजीव भाई के ये जो मृत्यु के रहस्य हैं उसके बारे में भी आपके मन में क्या ख्याल है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।